सबसे पहले मुझे ये इस बात की दिल से खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि किसी तरह से एक नई अगाड़ी बनना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ जितने बैठे हैं, हम सब ने महाराष्ट्र विकास अगाड़ी को सपोर्ट इसलिए किया कि ऐसी पार्टी जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, जिसने इस देश को गिरवी रख दिया, जिसने इस देश को बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, ऐसी पार्टी को इस देश से उखाड़ के फेंकने के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। और हमने उनका साथ दिया। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कि ये भी लगे हुए शहरों के नाम बदलने में। अरे अगर शहर के नाम बदलने से गरीबी दूर होती है तो सब नाम बदल दीजिए आप। एक कवि ने कहा है कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत जगह बाकी है। उद्धव ठाकरे साहब, आप योगी की राह पर मत चलिए। आपको हमने सपोर्ट किया है बगैर किसी शर्त के। आप जितनी जगहें बाकी है ना, सब जगहों पर नए नए शहर बसा दीजिए और अपने पूरे परिवार का नाम रख दीजिए। हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। क्या जनता बैठी हुई, याद रखना, बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, बदल सको तो बदल दो निजाम गुलशन का, वरना वक्त का तेवर बदलने वाला है। गरीबों की हालत क्या है? हम लोग सब यूपी से आए हुए, हम किसान हैं, परंतु 100 रुपया लगाते हैं, 90 रुपया कमाते हैं, कितना कैसे बदला, सब गांव छोड़ करके। अभी एक सर्वे हुआ, तकरीबन 50 लाख लोग पर प्रांतीय हैं यहां, सबसे ज्यादा यूपी वाले। और अभी सरकार ने कह दिया कि कोई घर से निकलना नहीं, पुलिस डंडा लेकर पकड़ा दिया, कोरोना है, कोई घर से बाहर निकलना नहीं। जब घर से निकलेगा नहीं आदमी, तो रोज कमाने और खाने वाला खाएगा क्या? खोचा लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, साइकिल पर पाव और पाव बेचने वाला, दूध बेचने वाला, सब घर में बैठ गए। क्या दिया सरकार ने? किसी को कुछ मिला? लोग सोचने लगे कि भाई अगर कुछ यहां कुछ नहीं मिला, यहां मरने से अच्छा अपने गांव जाकर मरे। और पैदल लोग गए, 1700 किलोमीटर लोग पैदल गए, पैरों के छाले निकल गए, गोश्त बाहर निकल आया। शर्म आना चाहिए सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जिन्होंने ये किया। अब अगर सरकार के बारे में कुछ बोल दो तो ये लोग जो है इसको देशद्रोही कहते हैं। मोदी जी, आप देश नहीं हैं, माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारे वतन हूं मैं। माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादारे वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। उखाड़ फेंको ऐसे लोगों को जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर भाई भाई को बांट देना चाहते हैं। हम इस देश में 10 साल और एक वक्त खाएं, एक वक्त भूखे रहें चलेगा, लेकिन हमारी भाईचारगी को खत्म मत करो, हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहने दो। ये सरकार क्या हो रहा है? और मैं देख रहा हूं नई मुंबई में तो बाप रे बाप, जो लोग सत्ता में हैं वो तो आसमान की ऊंचाई पर हो रहे हैं। कितना पैसा इनके पास है, कितनी जमीन है पता ही नहीं चलता, कितना एकड़ सारा जोड़ते जोड़ते थक जाओ, पैदल तो जा ही नहीं सकते, लगता है कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से देखना पड़ेगा। कहां से आई जमीन है इतनी? ये सब आपके खून पसीने की कमाई की हरामखोरी हो रही है। बहुत अच्छा किया, लेकिन ये प्रॉमिस करो सब लोग कि हम लोग एक साथ रहेंगे, फेविकॉल से चिपका दो एक दूसरे का हाथ, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग एक साथ रह करके महाराष्ट्र में गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना चाहते हैं। स्लम की हालत क्या है आज?
हमारा गांव का आदमी ऊपर वहां रहता है गांव में, उसके पास खेत खलियान बाग बगीचे माँ बाप बीवी बच्चे सब छोड़ करके मुंबई में आता है, ऐसी जगह रहता है जहां गांव में हम लोग कुत्ता और बिल्ली भी नहीं पालते। सरकार क्या दे रही है? जब सब चले गए यहाँ पे ये कोरोना में के बाद जब गांव चले गए ना, तो बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े मिल मालिक परेशान हो गए, कितने मेरे पास आए कि भाई क्या करें, अब तो धंधा ही बंद हो गया, कोई आदमी मजदूर मिलता ही नहीं। जिन्होंने इस मुंबई को बसाया उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, बार बार नफरत हो रही है इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर खास तौर से। आइए हम तय करें कि हम सब एक साथ रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और हमारी जो ये हमारी जो ये नई मुंबई विकास अघाड़ी है, ये पूरी ताकत के साथ पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, जो होगा देखा जाएगा। कार्यकर्ता एक एक इलाके में फैल जाओ, मीटिंग करो, लोगों के पास जाओ, बताओ कि अब हम लोग ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो गरीबी से उठकर आए हैं, गरीबों के दुख को जानते हैं, ऐसे लोगों को लाना है और लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए ये सब के सब मजदूर किसान गरीब अल्पसंख्यक दलितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आज इस देश में मुंबई में एक तरफ चमकता हुआ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ न्यू मुंबई है, दूसरी तरफ सिसकता हुआ रोता हुआ बिलखता हुआ न्यू मुंबई है। कितना फर्क है, कितना फर्क है गरीबी और अमीरी के बीच में। अभी उस दिन किसी ने भाषण किया, मुझे अच्छा लगा कि ये जैसे एक था कि हम दो हमारे दो, हम दो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे दो रिलायंस और अंबानी, इन्हीं को बढ़ाना है। अरे मैं उस दिन देखा एक अखबार में लिखा था कि अंबानी के घर की बिजली की बिल एक महीने के 75 लाख रुपया, और अंबानी ने कहा कि मैं जब ये लॉकडाउन हुआ है तो पहली बार मैं अपने पूरे घर में घूम पाया हूं। लानत है बे तेरी जिंदगी पे, इन गरीबों के खून पसीने के पैसे से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करके शर्म नहीं आती तुझे? क्या है ये? हम चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ाई हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। दवा 1 रुपए में मिलना चाहिए म्युनिसिपैलिटी अस्पताल में, उससे ऊपर नहीं, 1 रुपए में पढ़ाई फ्री होना चाहिए, पूरी की पूरी, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई पूरी फ्री होना चाहिए। आज मैं देखता हूं बेचारे बच्चे लोग भागते रहते हैं। क्या है, अभी आज ही की बात है, एक आदमी आया मेरे पास कि मेरे बच्चे को लॉ में एडमिशन कराना है, 2 लाख रुपया डोनेशन चाहिए। मेरे पास है ही नहीं तो क्या बच्चे को नहीं पढ़ाऊं? क्या हो रहा है ये? अभी मैं दुबई गया था, मेरे गांव का एक आदमी बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिट हुआ। आप मानेंगे, सरकार ने पूरा इलाज किया, 1 रुपया नहीं, उसके बाद जब निकला तो 10,000 दरहम भी उसको दिया कि जाओ आराम से घर में रहो। हम ये नहीं कहें 10,000 दरहम दे दो। मेरा एक साथी मेरी पार्टी का सेक्रेटरी प्रदीप दीक्षित नाम था उसका, जैन पाटिल साहब बीमार हुआ बेचारा, वो परेल में रहता था, उसकी पत्नी ले जाकर के ग्लोबल अस्पताल में उसको एडमिट कर दी। उसके बाद 5 लाख रुपया का था वो, 5 लाख रुपया उसका इंश्योरेंस था, 5 लाख खत्म हो गया, डॉक्टरों ने बोला पैसा लाओ, तो उसकी पत्नी मेरे पास आई कि भाई पैसा नहीं, डॉक्टर मांग रहा है, तो मैंने 2 लाख दिया। फिर आई बोले फिर पैसा दे, बोले फिर 2 लाख दिया। फिर आई कि भाई मुझे और दीजिए 5 लाख, मैंने फिर 5 लाख दिया। मेरे पास से मैंने 9 लाख दिया, उसने 5 लाख दिया, 9, 5, 14 लाख रुपया, और उसके बाद पर और पैसा मांग रहे हैं। तब मैं सीधा गया राजेश टोपे के पास, मैंने क्या मजाक बना रखे तुम लोगों ने, क्या 14 लाख रुपए दे चुके, कहता और पैसा लाओ और पैसा लाओ। तो कहा कि नहीं, हम अस्पतालों में रूल बना था कि एक तरफ लोगों से 4,000 रुपए ले जाएंगे एक दिन के, और दूसरी तरफ 20% जो है वो प्राइवेट जितना चाहे पैसा बड़े लोगों से लें। तो कहा कि अबू आसिम साहब इनको तो आप लोगों ने उसमें 20% में एडमिट किया। पूछा बोले नहीं 20% में नहीं, ये 80% में है, 4,000 वाले में, मालूम है आपको। मैंने चिट्ठी लिख के दिया कि भाई देखो वो मेरा दोस्त है बेचारा एडमिट है, आपको मैं लिख के देता हूँ कि जितना पैसा लगेगा इसको इलाज करो, जब ये निकल कर आएगा तो मैं पूरी बिल भरूंगा, मेरी गारंटी। तो राजेश टोपे ने और इकबाल चहल कमिश्नर ने गारंटी लिया, मैंने चिट्ठी दिया, मर गया आदमी अस्पताल में, जिंदा नहीं आया। अब मुझसे 23 लाख और मांग रहे हैं, मैंने कहा साढ़े 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा तुमको। रो मैं चिड़ियों, कितना पैसा देगा आदमी, कहां से लाएगा भाई 50 लाख रुपया बिल, शर्म नहीं आती, ये हालत है। हम चाहते हैं कि हर अस्पतालों में लोग इलाज कर सके। आज मेरी नगर सेविका की माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुंबई में कहीं आईसीयू में बेड मिल जाए, कहीं मिल ही नहीं रही है। मुंबई में रहते हैं हम, एक आईसीयू की बेड अस्पताल प्राइवेट में नहीं मिल रही, क्या हालत है देश की, हराम खोरी हो रही है पैसों की सब।
हमें उम्मीद है कि हमारी यह गाड़ी संघर्ष करेगी। और याद रखिए, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखो मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। हम चलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे, मैं वादा करता हूं आपको, मैं पूरी ताकत के साथ प्रचार करूंगा, पूरी ताकत के साथ हम उतरेंगे और हम लोग सब मिलजुल करके, हमें सीटें को बंटवारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम सब मिलजुल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे, जिसने भी लड़ेंगे, हम सब एक है। इमाम, मैं अपने हमारे भाई क्या नाम है अपने अफसर इमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ आपको, आप आगे बढ़िए, पार्टी पूरी साथ में रहेगी। हम सब समझते हैं जितनी पार्टियां हैं हमारी पार्टी है, हम सब मिलकर साथ रहेंगे और लड़ेंगे इलेक्शन की बात। और अभी बुलाएगा ना जाना मत, हाँ भाई मुझे मालूम है, जब ताकत दिखाओ तो बुलाए जाते हैं, तो जाने का नहीं लड़ने का साथ रहेंगे। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।